जैसे कि तुम लोगों ने यार मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने इंसान से दर्जी से कपड़े फाइनली मैंने कहा आज ले आते हैं यार चाहिए, बट मेरी माँ को और मजीद काम सूझ जाते हैं ना जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अच्छा चली गई, मुझे लगा शायद सुन रही है, उमा सुन रही है आप? अच्छा नहीं, फिर वेलकम माय नाना अबू। हेलो गाइस, ये मेरे नाना अबू है यार। फाइनली आई एम स्टार्टिंग इंट्रोड्यूसिंग माय रिलेटिव्स टू यू गाइस। यार मैं डब्बी जी की बंद कर दी है ना, बेइज्जती होती पई है। ए वीडियो बनाती पई मैं नेट से पाल ली। अच्छा दोनों इकट्ठे बनाया करिए, दसो मैं क्या, आप दोनों इकट्ठे बनाया करिए। नहीं समझ आई? नहीं अपना वीडियो नेट से पानी सही है कि गलत है? अब वीडियो बन गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओके गाइस, नाना अबू का एक्चुअली ब्लॉगिंग का आइडिया है ना, वीडियो है। बेइज्जती हो ना कि मेरी यार, मैं अपने ना खानदान वालों को इंट्रोड्यूस कराती जा रही हूँ, बस फॉलो ही नहीं कर रही। अच्छा मेरे नाना अबू को थोड़ा सा ना ऊंचा सुनता है, इसलिए मैं उनके कान में पास होके बोल रही थी। खैर अभी आई थिंक के कैब वाला आ गया, तो अभी हम निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो बस थोड़ी देर में बाय बाय। 2000 years later. मुझे कहा मंगल को ले लेना, वो मंगल आया ही नहीं आपका पास। फिर मैंने सोचा इकट्ठे ही ले जाऊंगी मम्मा के। हो गए अभी, दिखाते हैं जरा। मेरे सूट नहीं, आपने दोबारा बाई टांग में ये टांगा हुआ है बाई, गंदा हो जाता है, मिट्टी डलती है। आपने कहा एनवायरमेंट साफ है, तो आपने बाकी भी आप मेरी मर्जी ना, मेरे कपड़े आप क्यों लगाएंगे बाहर? बाहर नहीं का। 2000 years later. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬਾਹਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋਂ ਟਾਂਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਭੀ ਤੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4000 ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਟੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੂਟ ਸਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਤੁਮ ਲੋਕ ਕੋ ਟੇਲਰਸ ਕਾ ਯੇ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕਾਮ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਵੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਬਾਰੀ ਅਟਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਬਾਹਰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਟੈਬਲ ਸਲਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਟੈਬਲ ਹੈਂਡ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਅੱਛਾ यार पता नहीं इहो जे काम क्यों करदे आ कि बाहर का ती टांग दे बंदा पूछे सूट गंदा हो जांदा बाहर, इना पोल्यूशन आ अजी यार आ गया है, पता नहीं किधर कहदे तू दो आ रहे ओने कहने बैठ के ते अपनी दई आ रहे साडे घर ही आने सूट, और ओने इना बिल बनाया ना यार, आई थिंक के 15000 को ओने बिल बना छड़या। ठीक आ 200 रुपया रह गया, मैं कहूं तो 200 दे पिछे मैनू बाजू नहीं देने इहदे, ते मैं ओदे कोल लै के आई। मैनू कहंदा मैं रख लेना फिर अगली वारी लै जाऊं, मैं कहां साहब मम्मा नाल करना, मेरे नाल कोई नहीं करना। मैं कहां मेरे को 200 है नहीं, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਆ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 200 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਖਤਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬੂਜ਼ੂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਚਾਹੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਕੋਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਹੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੀ ਲਈਏ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਯਾਰ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਾਏ। 2 hours later. ਯਾਰ ਹਾਲਤ ਕੋ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੇਲਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਪੜੇ ਲੈਣੇ ਗਈ ਥੀ, ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਪੜੇ ਲੈ ਆਏ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਿਟ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਤੋ ਕਪੜੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਸੀਨ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, तो वो हम जैज़ की फ्रेंचाइज पे गए थे, उनके साथ थोड़ा सा फड्डा हो गया था यार हमारा, उनके साथ लड़ाई शड़ाई हो गई उधर की, मेरी उधर की कोई एम्प्लॉय थी उनके साथ मेरी, ठीक है। वो जी मुझे सुनाई थी हेड ऑफिस जाए खिला कर, मैं कहा एक तो मैं बैलेंस करके पैसे जाया करूँ, मसला ये हो रहा था कि भाई मेरी सिम कार्ड में बैलेंस नहीं हो रहा था, और तकरीबन 4-5 दफ़ा ट्रांजेक्शन होकर ज़ाया हो चुके, ना वो रिवर्सल हुई ना वो बैलेंस आया, तो मतलब वो वेस्टेज थी। तो मेरे साथ लगा रही थी यार बहस, जिस वजह से आपकी बहन को आ गया थोड़ा सा गुस्सा। तो जी मैंने कहा भाई इधर का हेड कौन है, उनके साथ फिर बैठ के हमने मीटिंग शीटिंग की, फिर उनको बताया जी ये मसाइल हैं, तो आप ज़रा इसको रिजॉल्व करें। तो
थैंकफुली उन्होंने रिजॉल्व कर दिया और अभी मेरा इशू रिजॉल्व हो चुका है, बैलेंस हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और अब मैं तुम लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अभी बोलो 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 सीन कुछ ये हो कि यार अभी खाना खाना है, ठीक है। मैंने कल रात खाना खाया था, इट हैज बीन ऑलमोस्ट लिजिट 19 आवर्स कि आपकी मैंने कुछ नहीं खाया है। पर सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। सुनो सुनो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल यार। बाय।